नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 21 अक्टूबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान, जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। ख्यात अभिनेता नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाकर भारत में मीटू अभियान की शुरुआत करने वाली ख्यात अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने गुरुवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से वह बोली, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मध्य प्रदेश आऊं और उज्जैन नहीं आऊं यह नहीं हो सकता। दरअसल सुश्री दत्ता भोपाल में किसी कार्यक्रम में शरीक होने आई थी, यहीं से होते हुए वह उज्जैन आई। महाकाल मंदिर में करीब 10 मिनट तक उन्होंने बाबा की पूजा की। दत्ता ने भी बैरिकेडिंग से ही दर्शन किए। दर्शन करने के उपरांत उन्होंने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश आऊं और बाबा के दर्शन नहीं करूं यह नहीं हो सकता, बाबा ने मुझे काफी कुछ दिया है। मैं तो भोपाल आई थी इवेंट के लिए, तो भोपाल आऊं या इंदौर आऊं और महाकाल के दर्शन ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत कृपा हुई है मुझ पर महाकाल की। और मुझे लगता है कि जब बुलावा आता है तो कुछ और कृपा होने वाली है। मोहन नगर की युवती के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात हो गई। उसके फोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया, उसने युवती के पिता को रुपए लौटाने की बात करते हुए एक मैसेज भेजा। युवती ने जैसे ही मैसेज पर आई लिंक पर क्लिक किया, उसके खाते से 80,000 रुपए निकल गए। दरअसल ऑनलाइन ठगी का शिकार मोहन नगर की चंचल चौधरी हुई। उनके पिता गजक व्यापारी हैं। चंचल के फोन पर एक व्यक्ति की कॉल आई, इसमें उसने कहा कि उसके पिता को उसे रुपए लौटाने हैं। वह एक मैसेज भेज रहा है, इस पर वह क्लिक कर दे। चंचल ने जैसे ही क्लिक किया, उससे खाते की डिटेल और पासवर्ड मांगा गया। चंचल ने जानकारी डाली तो उसके खाते से 20,000 रुपए कट गए। उसने फोन लगाकर जब सामने वाले को रुपए कटने का हवाला दिया तो उसने कहा कि गलती से रुपए कट गए होंगे, एक बार फिर से क्लिक करो। जब चंचल ने दोबारा क्लिक किया तो 20,000 रुपए और कट गए। इसी तरह तीसरी बार में क्लिक करने पर 40,000 रुपए कट गए। कुल 80,000 रुपए का फटका चंचल को लग गया। उसने चिमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लंबा लॉकडाउन और कोविड के कारण बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए लगाया गया क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप गुरुवार को 4 घंटे में ही ढेर हो गया। शिविर में ऑन स्पॉट कर्ज देने का दावा औपचारिकता बनकर रह गया। बैंक कर्मियों ने दिखावा करने के लिए कर्ज लेने आए लोगों को मोबाइल नंबर लेकर लौटा दिया। 4 घंटे के शिविर में 2.5 घंटे तो भाषणबाजी ही चलती रही। बचा समय ज्वलन शर्मा ने गाने गाकर निकाल दिया। ऑन स्पॉट लोन स्वीकृत कराने के प्रशासनिक दावे को अजमाने के लिए बड़ी संख्या में कर्ज लेने वाले कालिदास अकादमी परिसर में लगे मेगा कैंप में पहुंचे थे। शिविर सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तो टेंट वाले ने तंबू खा डाले। इस बीच मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जमकर लफ्फाजी की गई। पीएम स्ट्रीट वेंडर, मुद्रा लोन से लेकर जन धन योजना तक के कसीदे पड़े गए। लेकिन जब इनके अमली जामा पहनाने की बात आई तो बैंक कर्मियों ने इच्छुकों को फोन नंबर लेकर रवाना कर दिया। इनका कहना था कि अपना नंबर छोड़ दीजिए, अब बैंक कर्मी आपसे संपर्क करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि दिवाली में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन बाजार में रौनक कहीं नजर नहीं आ रही। पिछले साल की तरह ही अभी भी मार्केट में कौए उड़ रहे हैं, ऐसे में अर्थव्यवस्था का इंजन रुका हुआ है। शरद पूर्णिमा के आते ही सर्दी ने भी अपनी आमद शहर में दर्ज करा दी है। हाल ये है कि सुबह और शाम के समय में गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है। बीते 3 दिन में ही रात का तापमान 3 डिग्री गिर चुका है। आमूमन शहर में ठंड की शुरुआत अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाती है। इस बार मानसून पीरियड लंबा खींचने से ठंड की शुरुआत भी जल्दी हो गई है। अब हाल ये है कि रात और सुबह के समय अच्छी सर्दी होने लगी है। पिछले 3 दिन में ही तापमान में 3 डिग्री की कमी 2 डिग्री था, जो गुरुवार नगर की चंचल। सोशल मीडिया पर सेक्सटॉर्शन का लोग शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए उज्जैन पुलिस ने सलाह जारी की है। दरअसल वीडियो कॉलिंग के जरिए फर्जी आईडी से महिलाएं संपर्क कर पुरुषों को अपना शिकार बना रही हैं। लोक लाज से डरे लोग ऐसे में पुलिस तक पहुंचने से बच रहे हैं। वह ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, इससे आर्थिक तौर पर भी उनकी कमर टूट रही है। आम आदमी को सेक्सटॉर्शन से बचाने के लिए उज्जैन पुलिस ने सलाह जारी की है। इसके मुताबिक किसी भी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल आने पर मोबाइल का फ्रंट कैमरा ढकने की सलाह दी है। इसी तरह सोशल मीडिया पर अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं करने और अपनी प्रोफाइल लॉक रखने की सलाह भी दी है।
मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9933437330, 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9, जवाहर नगर, उज्जैन। माकड़ोन पुलिस ने टाट के बोरे में छिपाकर ले जाई जा रही 7 पेटी शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 26,250 रुपए है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से एक बदमाश शराब लेकर आने वाला है। तस्दीक होने के बाद भुंडवास मोड़ बड़ोदिया में संबंधित मोटरसाइकिल सवार को रोका गया। उसने मोटरसाइकिल पर एक बोरा लाद रखा था। जब बोरे की तलाशी ली तो उसमें 7 पेटी शराब बरामद हुई। देसी शराब की पेटियों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गुड़ी पड़वा पर होने वाला विक्रमोत्सव कोविड की दूसरी लहर के कारण इस बार 6 महीने की देरी से 24 अक्टूबर से शुरू होगा। 5 दिनी विक्रमोत्सव में नाट्य मंचन, चित्रकला प्रदर्शनी और कवि सम्मेलन के आयोजन होंगे। उत्सव की शुरुआत 24 अक्टूबर को कालिदास अकादमी स्थित पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल में होगी। कार्यक्रम की अतिथि संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर रहेंगी। अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री मोहन यादव करेंगे। पहले दिन सम्राट विक्रमादित्य नाटक का मंचन किया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं समारोह में किस दिन क्या रहेगा। 25 अक्टूबर भारत भारती नाटक का मंचन, 26 अक्टूबर माच की प्रस्तुति, 27 अक्टूबर पंजाबी लोक संगीत, 28 अक्टूबर कवि सम्मेलन। देश भर में पिछले साल शहीद हुए 377 पुलिसकर्मियों को आईजी संतोष सिंह और पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को याद किया। शहीद होने वालों में 15 मध्य प्रदेश और 2 उज्जैन के पुलिसकर्मी शामिल हैं। दरअसल मौका था पुलिस स्मृति दिवस का। हर साल 21 अक्टूबर को देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। पुलिस लाइन में परेड कर सलामी देकर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया, रविंद्र वर्मा खास तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित भी किया गया। आचार्य मुक्ति सागर सूरी जी की निष्ठा में श्री ऋषभ देव छगनी राम पेड़ी खारा कुआ पर शाश्वती नवपद आयम बिल ओली की आराधना की गई। ईद मिलादुन्नबी पर सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी ने एएसपी अमरेंद्र सिंह चौहान एवं शहर काजी खलीकुर रहमान की मौजूदगी में सम्मान समारोह आयोजित किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, नापतोल तथा रसोई गैस सिलेंडर की जांच के लिए 7 तहसीलों में जांच दल गठित किए हैं। प्रत्येक दल में नायब तहसीलदार, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नापतोल निरीक्षक है। जनपद पंचायत तराना के खजूरिया में बने चेक डैम के कारण 12,000 क्यूबिक मीटर पानी एकत्र हुआ है। इसमें लगभग 350 मीटर तक जल भरा हुआ है। डैम बनने से लगभग 150 किसानों को सिंचाई में लाभ हुआ है। बलाई समाज विकास समिति श्री राम मंदिर भैरवगढ़ ने समाज धर्मशाला में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में बैठक की। इसमें समाज धर्मशाला के निर्माण के लिए 100 रुपए के सहयोग राशि लेने का निर्णय लिया। धर्मशाला में 2 स्नान गृह व शौचालय बनाने का प्रस्ताव पास किया। भावसार समाज ने शरद उत्सव धूमधाम से मनाया। कुल देवी माँ हिंगलाज की महाआरती की और प्रसादी वितरित किया गया। महिलाओं ने गरबा भी किया। यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन की गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जुलेखा हुसैन एवं एडवोकेट अमित अग्रवाल की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यादव ने दीपक जैन को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। श्री माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर में भक्त समिति ने कन्या पूजन किया। कोविड 19 के कारण चलित कन्या भोज किया। सुहागन स्त्रियों को साड़ियां बांटी और शरद पूर्णिमा पर खीर वितरित की। करवा चौथ के दिन शिप्रा नदी के किनारे जीवन खेड़ी के पीछे बने करवा चौथ माता मंदिर के पट खुलेंगे। 24 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दर्शनार्थी महिलाओं को माँ कामाख्या का सिंदूर, सिक्का और कपड़ा प्रसाद के रूप में भेंट किया जाएगा। सूफी संत हजरत अब्दुल करीम चिश्ती समरकंदी उर्फ अरजानी शाह दूल्हा का 782वां उर्स मुबारक 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सुबह 6 बजे संदल की रस्म होगी। दोपहर में अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। शाम 6 बजे लंगर आम होगा। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड एट इन शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1,000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5,000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड एट इन शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।